हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी राइस रोटी कैसे बनाते हैं। हम लोग इसे अक्की रोटी भी बोलते हैं। हमें चाहिए 2 कप राइस फ्लावर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून ऑफ ऑयल और 3 कप पानी। पहले मैंने एक बर्तन में 3 कप पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑयल। अब देख सकते हैं पानी उबल रहा है, तो अब मैं डालूँगी आटा, ये चावल का आटा। तो पूरा 2 कप जो भी है, जितना भी हमने लिया है, वो सब डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार आटा अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के साथ, तो गैस फ्लेम बंद कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे दिखेगा, ये थोड़ा स्टिकी रहेगा, और उसको हम एक लिड से बंद करके आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम निकाल के थोड़ा सा हाथ में थोड़ा ऑयल लेंगे और उसको अच्छे से मसल लेंगे। एक छोटा सा बॉल साइज आटा लेंगे और उसको बेलने से पहले इसको अच्छे से हाथ से मसलना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई गांठ ना रह सके बीच में। जितना आप मसलेंगे इसे हाथ से अच्छे से, वो उतना ही अच्छा फ्लफी बनेगा। हम चपाती कैसे हम लोग बेलते हैं, उसी तरह से इसको भी बेलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, तो आराम से ये राइस का ही फ्लावर लेके थोड़ा सा लगा के इसको बेल लेंगे। बेलते समय आपको लगेगा ये थोड़ा सा ये क्रैक्स चारों तरफ, आप देख सकते हैं सराउंडिंग थोड़ा वो क्रैक जैसा दिखेगा, तो उसको ना दिखने के लिए हम लोग, आप देख सकते हैं वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा पिंच कर लीजिए साइड्स को और फिर आटा लगा के फिर बेलिएगा, तो ये साइड्स क्रैक नहीं आएंगे। ये ट्रिक ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं चारों आप की रोटी क्रैक्स नहीं आएंगे। ये चावल का आटे का बना हुआ रोटी थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल रोटी से जब हम सेकते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे सेकती हूँ इसको। पहले आप एक गरम तवा ले लीजिए, उसको उसके ऊपर ये डाल दीजिए रोटी, फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। छोटा सा कपड़ा ले लीजिए आप और उसको पानी में, जस्ट नॉर्मल पानी में डिप कर लीजिए और अच्छे से इसको लगा दीजिए ऊपर से। ये थोड़ा सा हल्का सा पानी का छीटा लगाना है, ना कि उसको पूरा सोक करना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से पानी लगाएंगे तो ये अच्छे से फूलेगा। ऊपर से जब आपको बबल्स दिखे छोटे से, तो इसको टर्न कर दीजिए। मैं स्ट्रेट फ्लेम पे ही सीखती हूँ इसको। आप देख सकते हैं कैसे फूल जाता है, तो ये अच्छे से रोस्ट भी हो जाता है रोटी। और आप देख सकते हैं इसको स्ट्रेट फ्लेम पे डाल दीजिए और थोड़ा सा बोथ साइड्स में अच्छे से इसको सेक लीजिए। सारे रोटी ऐसे ही फूलते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, एक भी फेल नहीं होगा आपकी रोटी। ये आपके अक्की रोटी या राइस फ्लावर रोटी और चावल के आटे की रोटी, जो भी कह सकते हैं, वो आपके लिए रेडी है। आप इसको कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। गिव इट अ ट्राई गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद
your friends and family. Thank you for watching. Till then, bye-bye.